मंटू अपनी आई बाबा के साथ रायपुर नाम के एक गांव में रहता था। मंटू बहुत शैतान था, पूरे दिन उधम करता रहता। वो सारे खेल जिसमें दौड़ भाग करनी पड़े उसको बहुत पसंद थे। वो पेड़ पर फटाफट चढ़ जाता बंदर की तरह। लोगों को लगता कि वो सच में बंदर के गुण लेकर पैदा हुआ है। पेड़ पे चढ़कर वो तेजी से फल तोड़ता, खुद खाता और अपने दोस्तों को भी खिलाता। एक बात तो थी, उसकी दोस्ती बहुत पक्की थी अपने दोस्तों से, खासकर बंसी तो उसका जोड़ीदार था। बंसी तो कपड़ा फैला के पकड़ के रखना नीचे, मैं पके हुए आम फेंकूंगा तो बस कपड़े में दबोच लेना। हाँ भाई, तो फेंकना तो शुरू कर। ये ले, ये आया है काम। वाह, क्या मस्त आम तोड़ा है तूने। और 5-6 फेंक, फिर बैठ के खाएंगे। हाँ रुक तो सही 2 मिनट, बस थोड़ा और ऊपर चढ़ के तोड़ देता हूँ। सही में लोग तुझे बंदर बुलाते हैं, तू कैसे लपक के ऊपर चढ़ जाता है। तू बंदर का दोस्त तो तू भी बंदर। अगले दिन मंटू सुबह देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बंसी का इंतजार करता रहा। वो दोनों दोस्त साथ में ही स्कूल जाते थे और बंसी तो उसको वही खड़ा मिलता रोज। पर आज पता नहीं बंसी को इतनी देर क्यों हो गई। अरे बंसी क्यों नहीं आया होगा, कल तो नहीं बताया उसने कि स्कूल नहीं जाएगा। वो तो ऐसे छुट्टी भी नहीं करता, उसके घर जाकर पता करता हूँ। मंटू बंसी के घर के पास पहुँचता है, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। काका यहाँ क्या हुआ है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। अरे बच्चे तुम घर जाओ, बच्चों का कोई काम नहीं है यहाँ। ये तो अब हद ही कर दी पिशाची ने, हर महीने अमावस की रात को गांव के लोग बकरी या भेड़ या कोई और उसकी पसंद का जानवर जंगल के बाहर बांध आते हैं। हाँ हद है, इस बार हरिराम की बारी थी जानवर बांध के आने की। उसका छोटा बेटा बीमार था, वो शहर गया है एक दिन के लिए डॉक्टर के पास। एक ही दिन की देरी हो गई तो वो पिशाची तो हरिराम के बड़े बेटे को ही उठा के ले गई। ओह क्या बोल रहे हो भाई, देखा क्या किसी ने पिशाची को बच्चे को ले जाते हुए। हाँ ना, वो दिनी चौकीदार जो गांव के बाहर की मिल में पहरेदारी करता है, रात की ड्यूटी करके लौट रहा था, उसने ही देखा। और इससे पहले वो कुछ कर पाता पिशाची तो जंगल की तरफ भाग गई। अब जंगल में पाँव रखने का साहस कौन करेगा, एक तो वो पिशाची, ऊपर से वो जंगली शेर। जंगल के पास वाली गुफा में सुना है कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर शेर पकड़ा नहीं गया अभी तक। हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो, अभी तो हरिराम भी नहीं है, कौन छोके मुठाए। मंटू तो ये सब सुन के बुरी तरह परेशान हो गया। हरिराम काका का ही तो बेटा था उसका जिगरी दोस्त बंसी, अब वो क्या करे। कोई तो गांव वाले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे, पिशाची से कौन लड़े। क्या करूं मैं, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं क्या करूं बंसी के लिए। क्या मैं खुद जंगल में जाने की कोशिश करूं? मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा रहूंगा, ऊपर से कुछ तो जरूर दिखेगा, मैं क्या बंसी को बचा पाऊंगा। मैं ऐसे तो बंसी को पिशाची के हाथों नहीं छोड़ सकता, वो डायन तो मेरे दोस्त को भी खा जाएगी। नहीं नहीं भगवान, मुझे ही जाना होगा और कुछ करना होगा। मंटू बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत सावधानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद कूद कर आगे बढ़ता गया। पता नहीं शायद शेर अंदर नहीं है, अगर शेर आया तो मैं कोने में छुपकर ये पत्थर हिला दूंगा, फिर बड़ा पत्थर गिर जाएगा और गुफा का मुंह बंद हो जाएगा, और शेर को अंदर कैद कर लूंगा, कम से कम शेर से तो जान बचेगी। जंगल में झोपड़ी, क्या यही पिशाची डायन की होगी। क्या करूं, अंदर जाऊं क्या। तभी उसको नीचे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। नीचे देखा तो शेर गुफा के अंदर चला गया। ये सब देखकर मंटू को एक तरकीब आती है। मंटू नीचे उतरता है, गुफा से थोड़ी दूर झोपड़ी के पास चलना शुरू करता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है।
मैं कहाँ आ गया हूँ, कोई मदद करो। थोड़ी दूर पे पिसाची उसकी आवाज सुनती है और उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो? सही सुना था गांव वालों से, यही पिसाची डायन होगी। इतने मैले कपड़े, इतने गंदे बाल, गले में तो हड्डियों की माला और देखने में तो कितनी डरावनी है। अरे वाह, आज ही एक लड़का पकड़ा और एक और मिल गया, आज तो भर पेट खाने को मिलेगा। वाह, मजा आ गया, मेरा तो 2 महीने का खाना हो गया। ये गांव वालों ने जानवर भेज भेज के मेरे खाने का स्वाद ही खराब कर दिया था। काकी मैं काकी रास्ता भटक गया हूँ। मंटू रोने की एक्टिंग करता रहता है, उसको समझ नहीं आया कि वो बंसी का पता कैसे लगाए। अरे बेटा रोना बंद करो, चलो पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलो कुछ खा लो। कैसी हालत हो गई है बच्चे तुम्हारी? क्या उस कुटिया में बंसी हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। हाँ काकी चलो। आओ आओ अंदर आओ, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ। मंटू नजर चुरा के इधर उधर देखता है, उसको कहीं बंसी नहीं दिखा। तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे जाती है, उसको एक कोने में एक पैर दिखता है और बंसी का झूठा। वो तुरंत पहचान जाता है, उसको समझ आ जाता है कि पिसाची डायन ने बंसी को चारपाई के नीचे बांध कर रखा हुआ है, शायद वैसे ही वो उसको गांव से बांध कर लाई थी। अब मुझे साहस दिखाना होगा, कोई तो तरकीब लगानी होगी, बंसी को यहाँ से छुड़ा कर लेकर ही जाना है। काकी तुम मुझे यहाँ मिल गई, कितना अच्छा हुआ, मैं तो अपने आई बाबा के साथ जंगल के पास से जा रहा था। थोड़ी देर हम लोग रास्ते में रुके, आई बाबा ने कहा थोड़ा सुस्ता लेते हैं, उनकी आंख लग गई तो मैं और मेरी छोटी बहन एक खरगोश के पीछे पीछे जंगल में कब घुस गए पता ही नहीं चला। जंगल तो कितना घना है, वापस जाने का रास्ता ही नहीं समझ आया। अरे तो तुम्हारी बहन किधर है? मैं उसको एक गुफा के पास बिठा आया था, मैं तो कुछ खाने के लिए ढूंढता ढूंढता आगे निकल आया। अरे तो चलो तुम्हारी बहन को भी लेकर आते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया, एक और बच्चा मिल गया, जल्दी से उसे भी ले आती हूँ, अब तो मजे ही मजे हो गए। बेटा चल, कहाँ है वो गुफा? काकी आओ मेरे साथ, मेरी बहन भी तुमसे मिल लेगी तो उसका डर कम हो जाएगा। तुम तो हमें जंगल के बाहर हमारे आई बाबा से मिला दोगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। आपका बहुत शुक्रिया काकी, आओ मेरे साथ। अरे कहाँ गई मेरी बहन? मिंटी मिंटी ओ मिंटी कहाँ है? काकी कहीं वो गुफा में तो नहीं चली गई अंदर? रुको मैं देख के आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ, यहीं रुकना, हाँ जाना नहीं कहीं। अरे ये कहाँ फंस गई, बचाओ, अंदर शेर है, आ जाएगा मुझे, बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है, जैसे शेर ने पिसाची को खा लिया हो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, बंसी को बचाना है। अरे ये तो बहुत बुरी डायन निकली,
मेरे दोस्त को कितनी बुरी तरह से बांधा है। दोस्त, तू कैसे आया यहाँ? तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वो बहुत खतरनाक डायन है। मुझे बोल रही थी कि आज रात को खा जाएगी। दोस्त, वो तो खुद शेर का भोजन बन गई। हम अब सेफ है एकदम। चल घर चलते हैं। तेरी आई तो रो रो कर बेहाल हो रखी है। तू सच्चा दोस्त निकला मंटू। अपनी जान पे खेल कर मुझे बचा लिया। तेरी बहादुरी देख के तो मैं दंग हो गया। सच में तेरी दोस्ती ने मुझे कितनी ताकत दी। एक था मछुआरा, नाम था भीमा। भीमा और उसकी बीवी नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भीमा अपनी मछली पकड़ने के लिए रोज सुबह निकल जाता और शाम तक जो कुछ हाथ आता उसको बाजार में बेच जाता। भीमा और उसका परिवार गरीब था, पर किसी तरह अपना गुजारा चला लेते थे। एक दिन रोज की तरह भीमा शाम को अपनी मछलियाँ बेचने के लिए बाजार गया। मछली ले लो, मछली, ताजी मछली, 10 का 2, 10 का 2। अरे ओ भैया, थोड़ा मछली लेके जाओ, एकदम ताजा मछली है। अच्छा, देखो तो जरा। ताजा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मछली तो बहुत छोटी छोटी है, मैं ये नहीं लूंगी। और उस खरीदार ने बाजू में ही दूसरे मछुआरे की मछली देखी। ये बात, ये होती है मछली, बड़ी और शानदार। कैसी दी भैया? बस 100 रुपया मेम साहब। 100 रुपया? बहुत महंगी है। आखिरी मछली है, आपके नाम की रखी थी, बस सब बिक गई। इतनी बड़ी मछली इतने में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे ये पसंद आ गई, इसको तो मैं खा के ही रहूंगी। दे दो, ये लो 100 रुपए। थैंकू मैडम, मेरा भी माल खत्म, मैं घर चलता हूँ। भीमा ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि कहाँ वो 10 रुपए की 2 मछली बेच रहा है और कहाँ दूसरे मछुआरे ने एक ही मछली बेच के 100 रुपए कमा लिए। वो फौरन दूसरे मछुआरे के पीछे पीछे गया। भैया जी, एक मिनट जरा मेरी बात सुनो। मैंने देखा आपने 100 रुपए में अपनी मछली बेच दी। एक ही मछली में इतना पैसा कमाया, कैसे करते हो? थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। आप भी सीखोगे। देख भाई, याद रख, जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो। सिंपल, अपुन अभी चलता है, बीबी वेट कर रही होगी। और ये सुन के भीमा भी सोचता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो। सिंपल। मैं भी अब स्मार्ट बनूंगा, सिर्फ बड़ा हाथ मारूंगा। अब अगले दिन सुबह ही भीमा नदी में जाल डाल के बैठ गया। कुछ देर बाद जाल में हलचल हुई। उसने निकल के देखा तो उसमें कई छोटी मछलियां थी। अरे इतनी सारी मछली, पर ये तो सब छोटी है, मुझे तो बड़ी मछली चाहिए। पर ये हाथ आ गई है तो इनको भी रख लेता हूँ। भीमा मछलियां रखने ही वाला होता है तभी उसको दूसरे मछुआरे की बात याद आती है। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो। सिंपल। फिर कुछ सोचकर भीमा ने सारी मछलियां नदी में छोड़ दी और फिर जाल लगाया और इंतजार करने लगा। दोपहर हो गई। अरे जाल में हलचल हुई, निकालता हूँ, शायद इस बार बड़ी मछली हाथ लगी हो, अभी देखता हूँ। पर इस बार वैसी ही छोटी मछलियां थी जाल। भीमा ने फिर सारी मछलियां नदी में वापस फेंक दी।
बीमा बड़ा खिलाड़ी है, अब सिर्फ बड़ा हाथी मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये, फिर से जाल बिछाना होगा। अभी वक्त है, जरूर कुछ हाथ लगेगा। फिर बीमा इंतजार में बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और जाल में फिर से हलचल हुई। हिला, जल्दी निकाल भीमे, बड़ी मछली पकड़ेगा आज तू, 100 रुपया कमाएगा। लेकिन हर बार के जैसे ही इस बार भी सिर्फ छोटी ही मछली फंसी थी जाल में। हाँ, फिर से वही, नहीं चाहिए मुझे छोटी मछलियाँ, फेंक दो इन्हें। फिर से जाल लगाता हूँ, अब तो वक्त भी निकला जा रहा है, उम्मीद है जल्दी ही कुछ हाथ लगेगा। दीमा अब जाल डाल के बैठा रहा, पर रात तक भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। खाली हाथ वापस घर लौटा। उसके परिवार को उस दिन भूखा ही सुना पड़ा और वहाँ बाजार में मंगू अकेले मछली बेच रहा था। मछली गया, 150 की 1, 150 की 1। भैया जी, कल ही तो 100 की लेके गई थी आपसे, आज इतना भाव क्यों? मैडम जी, मार्केट में सप्लाई नहीं है, अक्के मार्केट में मछली सिर्फ मेरे पास मिलेगा, 150 का ही भाव लग पाएगा, अपुन भी पीछे ज्यादा पैसा देके लेता है। ठीक है, लो 150 रुपया और वो वाली दे दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच करने से नुकसान ही होता है। हमको जो मिला है उससे खुश रहना चाहिए, किसी दूसरे की अच्छी चीज देख के उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। और आपका प्रतियोगी आपको सही सुझाव दे ऐसा जरूरी नहीं है। एक गांव में एक लकड़हारा था, गोविंद। गोविंद मेहनती था, वो रोज सुबह सुबह उठ के काम पे निकल जाता था। अरे पप्पू, उठो भाई, सुबह हो गई है, आज काम पे नहीं जाना क्या? जल्दी सुबह उठना धंधे और सेहत दोनों के लिए अच्छा होता है। अरे गोविंद, जा भाई, ज्ञान मत दे, मैं 12 बजे उठूंगा और काम पे जाऊंगा। वो पेड़ कहां भागे जा रहे वैसे भी? ठीक है, मैं तो सुबह जाके बड़े ध्यान से सिर्फ अच्छी क्वालिटी का लकड़ा ही काटता हूँ। खैर, मैं चलता हूँ। पप्पू आलसी था, उसे मेहनत करना पसंद नहीं था, इसलिए वो गरीब था और हमेशा मुश्किल में रहता था। अरे, यहाँ तो सारे पेड़ पतले और कच्चे हैं, मुझे मोटा और मजबूत लकड़ा चाहिए। यमुना नदी के पास जाके देखता हूँ, वहां जरूर मिलेगा। अरे, ये पेड़ तो बहुत बढ़िया है, ठीक जैसा मुझे चाहिए, इसका लकड़ा तो महंगा बिकेगा। गोविंद उस पेड़ के ऊपर चढ़ के एक मोटी डंगाल को काटने लगा। काटते काटते अचानक उसके हाथ को कुछ लगा और उसकी कुल्हाड़ी छूट के यमुना नदी में गिर गई। हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरी कुल्हाड़ी ही नदी में गिर गई, अब तो खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ेगा, बहुत नुकसान हो गया और सुबह सुबह से इतनी दूर आना भी व्यर्थ गया। हे यमुना मैया, मेरी मदद कर। गोविंद सर पकड़ के उदास नदी के किनारे बैठ जाता है। उसकी प्रार्थना सुन के तभी यमुना मैया प्रकट होती है। वत्स, तुमने मुझे याद किया, कहो क्यों उदास हो तुम? माँ, मुझसे गलती से मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, अब खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अच्छा, निराश ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस दे सकती हूँ।
तभी देवी ने एक कुल्हाड़ी प्रकट की, चमकदार सोने की कुल्हाड़ी। वत्स, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। गोविंद सोने की कुल्हाड़ी को देखकर अचंभित हो गया, पर वो धैर्य से बोला, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ ने एक और कुल्हाड़ी प्रकट की, इस बार चांदी की कुल्हाड़ी। तो ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। ये तो बहुत अद्भुत कुल्हाड़ियाँ है माँ। मेरी कुल्हाड़ी तो सस्ती लोहे की कुल्हाड़ी थी, ये मेरी नहीं है। माँ ने एक बार फिर से कुल्हाड़ी निकाली, इस बार गोविंद की लोहे की कुल्हाड़ी, जिसे देखकर गोविंद ने फौरन पहचान लिया। हाँ माँ, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। वत्स, तुम एक मेहनती इंसान हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी देख के बहुत प्रसन्न हुई। लो, ये तीनों कुल्हाड़ी तुम रख लो, ये सब तुम्हारी है, खुश रहो। और हाँ, ये पेड़ मुझे बहुत प्रिय है, इसको मत काटना। लो, मैं तुम्हें ये लकड़ा देती हूँ, इसे भी ले जाओ। मैं धन्य हो गया माते, मैं कभी इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, चलता हूँ, प्रणाम। तीनों कुल्हाड़ी और लकड़ा लेके गोविंद घर लौट जाता है। जैसे ही वो पप्पू के घर के पास से गुजरता है, पप्पू उसे देख के चौंक जाता है। अरे ये क्या, गोविंद तो वापस भी आ गया, लकड़े की कुल्हाड़ी लेके गया था, तीन तीन कुल्हाड़ी लेके आया है, वो भी सोने चांदी सी चमकती कुल्हाड़ियाँ, और इतनी सारी लकड़ियाँ काट भी ली इसने, कुछ तो चक्कर जरूर है, पता लगाता हूँ। पप्पू गोविंद से जल भून जाता है। वो चुपचाप गोविंद का पीछा करते हुए उसके घर पहुँचा। गोविंद अंदर जाता है और अपनी बीवी को आवाज देता है, अरे ओ भाग्यवान, चमत्कार हो गया, सब छोड़ो और यहाँ आओ। आ रही हूँ, क्या हो गया? अरे वाह, इतनी चमकदार कुल्हाड़ियाँ, जैसे सोने चांदी से बनी हो, ये कहाँ से मिली तुमको? आज ना कमाली हो गया, यमुना नदी के किनारे एक मोटा वृक्ष है, मैं आज उसे काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी गलती से यमुना में गिर गई, फिर वहाँ यमुना मैया प्रकट हुई और उन्होंने ही मुझे ये दी है, ये असली सोने चांदी की है। स्वयं यमुना मैया ने दर्शन दिए हमें, हे भगवान, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। ये सोने की कुल्हाड़ी मैं बेचाऊंगा, बहुत धन मिलेगा, और इस चांदी की कुल्हाड़ी को मैं माँ का आशीर्वाद मान के हमेशा संभाल के रखूंगा। ये सारी बात पप्पू दूर से चुपचाप सुन रहा होता है। अच्छा तो ये बात है, मैं भी यही करूँगा, आज ही जाता हूँ यमुना के यहाँ पेड़ काटने। पप्पू यमुना नदी के पास जाके सभी पेड़ जांचता है। वो उस मोटे मजबूत पेड़ को फौरन पहचान लेता है, जो यमुना नदी के ऊपर होता है। यही पेड़ हो सकता है, बहुत विशाल है। चलो इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ इसको काटने के लिए। पेड़ विशाल था, पप्पू उस पे चढ़ भी नहीं पाता। फिर वो कुछ सोचकर ऐसे ही अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, हे यमुना मैया, मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दे। यमुना माँ प्रकट होती है, लेकिन वो उसे देख के समझ जाती है कि वो बेईमान है। ये इंसान तो पेड़ पे चढ़ा भी नहीं था, इसके शरीर पे बिल्कुल पसीना नहीं है, ये जरूर कोई बदमाश है, इसको सबक सिखाना होगा। फिर देवी अपनी जादू से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकालती है। लो बस,
ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी? अरे नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ फिर अपने जादू से दूसरी कुल्हाड़ी प्रकट करती है, इस बार चांदी की। ये? अरे नहीं नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत चमकदार थी, एकदम सोने जैसी। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। और माँ सोने की चमकदार कुल्हाड़ी प्रकट करती है। हाँ ये वाली, ये कुल्हाड़ी है मेरी, लाओ दे दो मुझे, या चाहो तो तीनों कुल्हाड़ी मुझे दे दो। तुम कपटी हो और मूर्ख भी, तुमने मुझसे झूठ बोला, अब इसकी सजा मिलेगी तुमको। ऐसा बोलकर देवी गायब हो गई। पप्पू की लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई। हाय मेरी कुल्हाड़ी भी चली गई, मेरा तो नसीब ही खोटा है, उसको तीन तीन कुल्हाड़ी और मुझे एक भी नहीं। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। पप्पू को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। पता नहीं उसने अपना सबक सिखाया नहीं, पर बच्चों इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि मेहनती और ईमानदार इंसान को हमेशा फायदा होता है, बेईमान का हमेशा नुकसान ही होता है। ये कहानी है एक बच्ची की, सुनहरे बालों वाली प्यारी सी बच्ची। सब उसको गोल्डी लॉक्स बुलाते थे। गोल्डी लॉक्स नटखट थी लेकिन बहुत बहादुर थी। एक दिन गोल्डी लॉक्स और उसकी फैमिली घूमने के लिए एक जंगल में गए। माँ मैं बोर हो रही हूँ, मैं जरा बाहर जाके खेलती हूँ। गोल्डी लॉक्स रुको, अकेले मत जाओ बेटा, मैं भी बस नहा के तुम्हारे साथ चलती हूँ, बाहर खतरा है। लेकिन जैसे ही मम्मी नहाने गई, गोल्डी लॉक्स चुपचाप बाहर निकल गई। वो पहले आसपास खेल रही थी, फिर वहीं से उसको एक नन्हा सा लोमड़ी का बच्चा दिखा। अरे वाह, ये तो एक खरगोश है, इधर आओ प्यारे रैबिट, डरो नहीं। गोल्डी लॉक्स की बात सुन के प्यारा खरगोश, मेरा मतलब लोमड़ी, डर गई और भागने लगी। मुझे हमेशा से खरगोश पालना था, रुको रुको भागो मत। और फिर नन्ही लोमड़ी आगे आगे और गोल्डी लॉक्स पीछे पीछे भाग रहे थे। लोमड़ी बहुत तेज थी, पर गोल्डी लॉक्स भी हार मानने वाली न थी। उसने बहुत दूर तक पीछा किया। बहुत दूर तक भागने के बाद एक नदी आई, पर उसका पुल टूटा था। मैं उस शैतान खरगोश को पकड़ के रहूंगी, यही गया होगा। ओह यहाँ तो नदी है और बहुत गहरी भी लगती है, पुल तो टूटा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं? उदास गोल्डी लॉक्स कुछ सोच रही है, अचानक ही उसे कुछ ख्याल आता है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम ये कर सकती हो, कभी हार मत मानना। मैं हार नहीं मानूंगी। और गोल्डी भागती है, तेज, बहुत तेज, एक रॉकेट जैसे। या, मैं निकल लिया, ये, अब पकड़ती हूँ उस खरगोश के बच्चे को। नदी के पीछे जंगल बहुत घना था, काफी देर हो गई थी, अंधेरा होने लगा था, गोल्डी लॉक्स जंगल में खो चुकी थी। ये तो भेड़िया की आवाज है, रात हो रही है, मम्मी चिंता कर रही होगी, मुझे घर जाना चाहिए। फिर तभी गोल्डी को किसी जानवर की पूंछ दिखती है। गोल्डी बुशेस के अंदर जंप करती है। इक्स, ये तो कोई गिलहरी है, पर ये फुसकी, इतनी बदबू।
वाह कितना सुंदर है, किसका घर होगा ये, चलो देखते हैं। घर पे कोई है? हेलो, वाओ कितना प्यारा घर है, और वो पोर्ट्रेट्स जरूर किसी आर्टिस्ट का घर होगा, पर भालू क्यों बनाए हैं? कितनी थक गई हूँ मैं। हेलो एनीबॉडी हो? लगता है कोई नहीं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। वाओ क्या खुशबू है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। यहाँ से आ रही है खुशबू, ये जो भी है मुझे चाहिए। ई, मैं ये नहीं खा सकती, ये तो किसी की पूछ है। शायद इसमें कुछ अच्छा होगा, ये क्या है? ई, ये तो किसी की आँख है। ची ची ची। गोल्डी को भूख लगी थी, अभी भी एक बोल बाकी था। गोल्डी हिम्मत करती है। आई होप इसमें कुछ गंदा नहीं होगा। वाव, ये तो सूप है। यम्मी, ये मैं खा सकती हूँ। मजा आ गया। जमीन पे नींद नहीं आ रही, बहुत स्टिफ है। मुझे बेड पे ही नींद आती है, वो सेंस कब जाती है? ऊपर कोई बेड हो। फिर जैसे तैसे ऊपर पहुंचने के बाद गोल्डी ने देखा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बेड लगे हैं। उसकी इच्छा पूरी हुई। वाव कितना बड़ा बेड है, मैं तो इस पे फैल के सो सकती हूँ, मैं यही सोऊंगी। यो ये बेड नहीं है, ये तो पत्थर है। मेरा कंधा दर्द हो रहा है, ये पत्थर के बेड पे कौन सो सकता है, हाय। फिर धीरे धीरे डरती हुई गोल्डी दूसरे बेड पे बैठने गई। उफ, ये बेड नहीं है, ये तो रुई का ढेर है, मैं तो फंस गई, मम्मी मुझे निकालो। जैसे तैसे गोल्डी खुद को संभालती है और रुई के ढेर से बाहर आके तीसरे बेड की तरफ जाती है। अरे वाह, ये नरम है, गद्देदार है और गरम भी है, मैं तो इस पे ही सोऊंगी। ओह कितना कोजी है, मजा आ गया। प्यारी सी गोल्डी उस छोटे से बेड पे सिकुड़ के सो जाती है गहरी नींद में। अरे सोना, तुम आज फिर दरवाजा खुला छोड़ गई, किसी दिन चोर आ गए तब समझेगा। मैं नहीं, तुम आखिरी में आए थे, मैं तो सबसे पहले ही निकली थी, और मुझे बोल रहे हो? चलो छोरो, बहुत थक गया हूँ मैं, और जोरों की भूख भी लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो। हाँ मॉम, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आज कुछ अच्छा बनाना, मैं टिंडे नहीं खाऊंगा। खाना तो मैं बना के ही गई थी, फौरन खा के सो जाते हैं। बहुत शॉपिंग की आज, अच्छा दिन था। बेबी जाओ जल्दी से हाथ धो के आ जाओ। आता हूँ, क्या बनाया है? डैडी के लिए गिरगिट फ्राई, मेरे लिए आईबॉल कोफ्ते, और तुम्हारा तो बेस्ट है स्कंक का सूप। मुझे पसंद है, स्कंक मेरा फेवरेट है।
और हमारे जंगल में स्कंक्स बहुत है। तो आ जाओ जल्दी से टेबल पे हाथ धोके, ओके? जिसका मुझे डर था वही हुआ। मेरे खाने पे बिल्ली मुंह मार गई, टेबल पे फैला भी गई, पर अभी भी बाकी है, मेरा पेट भर जाएगा। उफ, मेरा भी। एक बार हाथ लग गई तो उसकी चटनी ही बना दूंगी। खाया कम है और गिराया ज्यादा है। बाबू कहाँ रह गए, जल्दी आ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। बदमाश बिल्ली। कोई बात नहीं बाबू, तुम मेरा कोफ्ता खा लो। मेरे गिरगिट भी खाओ थोड़े से, और मेरे जैसे टॉल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाओ। इस बिल्ली का कुछ करना होगा। चलो हो गया, अब चल के सीधे सो जाते हैं। मुझे कहानी सुननी है। कितनी कहानी सुनाओगी मम्मा? ओके, पर सिर्फ एक। और डैडी तुम कितनी सुनाओगे? 4। ये डैडी इज बेस्ट। सत्यानाश, मेरी चद्दर कोई खराब कर गया, वही बिल्ली होगी। तुम्हारी तो सिर्फ चद्दर ही खराब की है, मेरा तो पूरा पलंग ही बिगाड़ गई। बहुत मेहनत लगेगी इसे बनाने में। हाइला, मेरा बिस्तर। क्या हुआ बाबू, तुम्हारा भी बिगड़ गई? अरे नहीं पापा, मेरे बिस्तर पे तो कोई सोया है। जरूर ये बिल्ली ही होगी, मुझे इसकी पूंछ दिख रही है। लाओ मेरा डंडा लाओ, आज ये बच के नहीं जाएगी। ये शोर क्या है? मम्मी, हेलो। लड़की भागो। गोल्डी लॉक्स भागो सुन के समझ गई, वो भागी बहुत तेज, बिना रुके, सीढ़ियों से नीचे, डाइनिंग के बाहर, ट्री हाउस के बाहर, बुश के नीचे, जंगल के थ्रू, नदी के पार, वुड्स से होते हुए फील्ड के थ्रू, दूर दूर भालू से बहुत दूर, अपने घर तक भागती रही। मम्मी, गोल्डी तुम आ गई। मम्मी भी बच्ची के लिए परेशान थी और बहुत देर से ढूंढ रही थी। सॉरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारी बात मानूंगी, सॉरी। ओके मेरी बच्ची, आओ अंदर चलो, तुमको भूख लगी होगी। फिर गोल्डी ने हमेशा अपनी माँ की बात मानी और कभी रैबिट्स के पीछे दूर जंगल में नहीं गई। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।